मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। एक सनक जो इंसान को इंसान से जानवर बना देती है, और उसी सनक हिंसा और अपराध पर बन रही है अनुराग कश्यप की नई फिल्म रमन राघव। आज मैं आपको बताऊंगा रमन राघव कौन था, क्यों वो इतना विध्वंस्त हो गया, क्यों उसने 41 लोगों की जान ली। इस फिल्म में रमन राघव की कहानी पूरे अंदाज से मिर्च मसाले के साथ दिखाई गई है, लेकिन यह कतई संभव नहीं है कि वो उस रमन राघव को पर्दे पर उतार सके जिसने 41 लोगों को महज अपनी सनक के लिए मार दिया था। रमन राघव ना तो कोई अंडरवर्ल्ड डॉन था और ना ही कोई गैंगस्टर, ना ही कोई डकैत। वो था एक मनोरोगी जिसके सर पर सवार था सिर्फ खून। 1929 में पुणे के बाहरी इलाके में पैदा हुआ रमन राघव खूनी मनोरोगी कैसे बना, किन परिस्थितियों ने उसे खूनी मनोरोगी बना दिया, किन परिस्थितियों में उसे सीरियल किलर बनना पड़ा, इसकी जानकारी नहीं मिली। लेकिन उसके अपराधों के बारे में तमाम ऐसी जानकारियां मौजूद हैं जो आपको हैरान भी कर देंगी और हिला कर भी रख देंगी। रमन राघव को जानने वालों ने बताया कि बचपन से ही उसे कोई खास बीमारी नहीं रही, लेकिन वो बहुत चोरी करता था। अपनी इसी आदत के कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाया। 60 के दशक में बाहरी मुंबई के इलाकों में एक के बाद एक हत्या करने वाला रमन राघव 40 से ज्यादा हत्याएं कर चुका था। रमन राघव ज्यादातर हत्याएं रात के वक्त करता था। वो ज्यादातर हत्याएं उन लोगों की करता था जो झोंपड़ियों में रहते थे या फुटपाथ पे जीवन व्यतीत करते थे। वो मुग्धर जैसे बिना धार वाले हथियार से सो रहे लोगों पर लगातार प्रहार कर उनकी जान ले लेता था। इतना ही नहीं, वो महिलाओं के शवों के साथ रेप भी करता था। लोगों की हत्या करने की इसी सीरीज में 1965 से 66 में एक मामला ऐसा सामने आया जिसमें एक बार में 19 लोगों पर जानलेवा हमला हुआ। इस हमले में 9 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इसी घटना के बाद रात में लोगों की हत्या करने वाले के बारे में पता चला। घायलों में एक कृतिका नाम की महिला ने पुलिस को उस शख्स के बारे में बताया जिसकी पहचान रमन राघव के रूप में हुई। रमन राघव एक डकैती के मामले में 5 साल की जेल की सजा काट चुका था। मिली जानकारी के अनुसार कई हत्याओं में पकड़े जाने से पहले रमन राघव ने अपनी बहन का भी रेप किया था, उस पर हमला कर गंभीर रूप से घायल भी किया था जिसका रिकॉर्ड पुलिस के पास था। 60 के दशक में रमन राघव की मुंबई में इस कदर दहशत थी कि कोई भी बेखौफ होकर फुटपाथ पर सोने की जहमत नहीं उठा पाता था। चूंकि ये मर्डर रात में होते थे, ऐसे में हत्यारे का सुराग लगा पाने में भी पुलिस को बहुत मुश्किलें आई। रमन राघव के करीब 3 साल के अंतराल में मुंबई के फुटपाथों और झोंपड़ी पट्टी में रहने वाले 40 से ज्यादा लोगों की हत्याएं की। वो हत्याएं सिर पर पत्थर मारकर या लोहे की रोड मारकर करता था। उम्र दराज हो या बच्चे या हो औरतें, फुटपाथ पर कोई भी सोता दिख जाए इस मनोरोगी का आसान शिकार हो जाता था। रमन राघव कई हत्याओं के बाद भी कई बार कानून के चंगुल में सिर्फ इसलिए बच निकलता था कि जितने लोगों पर उसने हमला किया था उनमें जीवित बचा कोई भी व्यक्ति उसे देख नहीं पाया था। लेकिन 1968 में एक बार फिर कई लोगों की हत्याएं हुई तो पुलिस सीआईडी के डिप्टी कमिश्नर रमाकांत कुलकर्णी ने बड़ी संख्या में लोगों की धरपकड़ शुरू की और घेराबंदी की, तो रमन राघव पकड़ में आया। पुलिस ने रमन राघव से 23 हत्याओं का जुर्म कबूल करवाया। कहते हैं कि वह कई हत्याएं कर चुका था, लेकिन उसे ठीक से याद ही नहीं था कि अब तक वो कितनी हत्याएं कर चुका है। पुलिस की गिरफ्तारी के बाद हत्याओं के जब मामले चले तो रमन राघव को मनोरोगी होने का दावा भी किया गया। हालांकि पुलिस ने डॉक्टरों के तर्क को मानने से इनकार कर दिया। मौजूदा जानकारी के अनुसार पुलिस ने आरोपी को जब अदालत में पेश किया तो उसने जज को किसी भी सवाल का जवाब देने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, ऐसा उसने कई बार किया, लेकिन जब पुलिस ने उसकी चिकन खाने की इच्छा पूरी कर दी तब उसने जज के सवालों के जवाब दिए। उसने बताया कि वो किस हथियार से और किस तरीके से लोगों को मारता था। लेकिन कुछ तारीखों के बाद रमन राघव के पक्ष की ओर से अदालत में दलील दी गई कि वो दिमागी रूप से ठीक नहीं है जिसके कारण उसने हत्याओं को अंजाम दिया है।
उसे इंसान और इंसानियत के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस की ओर से इन तर्कों को नकार दिया गया। इसके बाद मुंबई हाई कोर्ट ने सजा को कंफर्म करने से पहले जनरल सर्जन से 3 मनोवैज्ञानिकों की टीम बनाकर यह तय करने को कहा कि राघव मानसिक रूप से ठीक हालत में है या नहीं। मनोवैज्ञानिकों की टीम ने उसे लंबी बातचीत के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि वो मानसिक रूप से बीमार है। उसने कई ऐसे बातें की जो सामान्य आदमी नहीं कर सकता। उसे पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी थी। ऐसे में उसकी सजा कम करके उम्र कैद में तब्दील कर दी गई। राघव 1995 में ससून हॉस्पिटल में किडनी की बीमारी से मरा। लेकिन इस सीरियल किलर ने 41 लोगों को अपनी हैवानियत और अपनी सनक का शिकार बनाया। वन इंडिया पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही।